आप समझो पूरी दिल्ली हिला दी, मतलब मजाक से हट के पाकिस्तान। तो ये आपका है पाकिस्तान का कश्मीर। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज है डे 4 भाई, और आज हम जा रहे हैं नीलम वैली, और यहाँ सारी गाड़ी लग चुकी है। और भाई आज फॉर्च्यूनर भी हमारे साथ जा रही है, जो भैया और की गाड़ी है। और भैया क्या हाल है? और भाई आज हम जाएंगे नीलम वैली, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। और भाई चलो अभी निकलते हैं हम, और देखते कितना टाइम लगता है। कहते 4-5 घंटे का रास्ता है, और टाइम लगेगा वहाँ, मतलब 3 से 4 घंटे लग जाएंगे आराम से पहुँचते। तो चलते हैं। और भाई गाड़ी सबकी गंदी हो रही है, किसको साफ करने का टाइम ही नहीं मिला था। और भाई अभी निकलेंगे, उमर भाई गाड़ी चलाएंगे भाई मेरी वहाँ पे। सो गाइस, ये 4 टैंक है जो भी हमारे इसमें गाड़ी में भर रहा है। 4 इन लोगों का जो शायद सेकेंड या थर्ड ही है, मुश्किल से सारी डीजल है। और ये भाई 4th, अभी देखते हैं यहाँ पे कितने का आता है। क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? 101 चल रहा है भाई यहाँ रेट अभी। देखो यार, और यहाँ देखो सारी गाड़ियाँ, यहाँ पे सब लोग अपना फ्यूल अप करा रही है, क्योंकि आज भाई 400 किलोमीटर है अप डाउन, मतलब 200 किलोमीटर, 450 भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है। कैसे है भाई रोहित, समोसे कैसे हैं? बढ़िया है ना, एकदम मजा आ रहे हैं ठंड में समोसे। तो भाई यहाँ गर्मा गर्म समोसे बनते हुए, चाय भी आ रही है। भैया यहाँ के फेमस समोसे हैं क्या ये? ये भाई एकदम गर्मा गर्म फ्रेश बनाते हुए समोसे, यहाँ देखो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल भाई समोसा है, और बहुत बढ़िया समोसा है। हाँ, और ये हमारा कश्मीर का समोसा है। अब भी खाओ जब भी आओ, और दूसरों को भी खिलाओ। हाँ, बाय बाय बाय। सो गाइस फाइनली परमिशन मिल चुकी है हमें, मतलब परमिशन चाहिए होती है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि सबको परमिशन देते नहीं है। और कौन रहेगा सारे आगे? और भाई उमर भाई ने परमिशन दिलवाई है। तो भाई क्या कैसे परमिशन दिलाई? अभी एसएसपी को कॉल किया। हाँ। तो उसने बोला आप पहुंचो। हाँ। तो उसके बाद हमें गाड़ियों में चेन वेन लगानी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि हमें सादना टॉप क्रॉस करना है। अच्छा। वहाँ पे बर्फ बहुत है। वैसे क्या जाने नहीं देते? वैसे नॉर्मल किसी को भी जाने नहीं देंगे। तो मतलब स्पेशल ब्लॉग बनने वाला है? स्पेशल ब्लॉग, क्योंकि वहाँ पे चेन बांधनी पड़ेगी गाड़ियों में, तब गाड़िया 4x4 काम नहीं करेगी। अच्छा। चेन जब होगी गाड़ियों में तब हम जा सकते हैं, वरना नहीं। चेन का क्या सीन होता है? मतलब चेन का सीन होता है, एक लगती है उसमें स्किड, गाड़ी नहीं करती, गाड़ी स्किड नहीं। हाँ, सुनो प्रॉपर स्नो है, प्रॉपर स्नो है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जा रहे हैं अभी जा रहे हैं हम। तो भाई अभी हम कुफवाड़ा रोड पे है, और अभी इसके बाद कुछ किलोमीटर बाद कौन सा रूट आने वाला है हमारा? हमारा रूट आने वाला है सादना टॉप, डेडलीस्ट रोड ऑफ कश्मीर। डेडलीस्ट रोड मतलब बहुत डेंजर, मतलब बहुत डेंजर, जहाँ पे स्नो चल रही है। स्नो चल रही है अभी। अच्छा। 4 फुट गिरी हुई है। 4 फुट गिरी हुई है। हाँ। गाड़ी की हाइट की गिरी हुई है, मतलब ये बर्फ गिरती रहती है वहाँ पे। हाँ, गिरती रहती है भाई साहब। तो भाई देख यहाँ क्यों रोका भैया? वो आगे से कॉन्वॉय आ रही है ना, तो अच्छा साइड में रोकना पड़ता है। तो भाई अभी कॉन्वॉय आ रहा है आगे से आर्मी का पूरा, तो अभी हमने यहाँ पे गाड़ी रोक रखी है। ये देखो कितनी गंदी हो रखी है, मतलब यार अच्छी भी लग रही है, कोई ऐसी बुरी लग नहीं रही। और अभी कॉन्वॉय जाते भी दिखाऊंगा पूरा आर्मी का। और यहाँ दूसरी गाड़ी हमारी, और वो तीसरी फॉर्चुनर पता नहीं कहाँ है, शायद आगे तो नहीं है फॉर्चुनर, वो पीछे हो रही है। भाई मैंने सोचा यहाँ से आ रहे, वो वहाँ से टर्न करते हुए जा रहा है कॉन्वॉय, वो देख सकते हो पूरा। मैं तो यहाँ से पूरी रील बनाऊंगा ऐसे, देखो दोनों फोन हाथ में भी ले रखे थे कि एक इसके लिए और एक लैंडस्केप में, लेकिन कोई नहीं वहाँ से जा रहा है। राइट टर्न ले लिया उन्होंने, मतलब यहाँ से लेफ्ट वहाँ से राइट, और अभी जाते ही भाई हम लोग भी निकलेंगे। Yeah.
तो भाई ये हम यहाँ पुलिस स्टेशन आ चुके हैं। ये कौन सा पुलिस स्टेशन है? कालपुरा। तो एक कालपुरा पुलिस स्टेशन भाई आ चुके हैं और यहाँ परमिशन ले रहे हैं। मतलब परमिशन मिलेगी एक दो तीन चार चार गाड़ी की परमिशन मिलेगी। और सो गाइस फाइनली यहाँ देख सकते हो पास मिल चुका है हमें जाने का। ये देख सकते हो पूरा परमिशन है, प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती से जा रहे हैं। और ये सारे लोग जितने भी हैं टोटल 10 लोग हैं। इन्होंने मेरा नाम भी कैसे लिख दिया, शायद ये चेंज कराना पड़ सकता है क्योंकि आधार कार्ड में केसी नहीं, कौशल चौधरी है। और ये देख सकते हो भाई ये पुलिस स्टेशन। और भाई अभी हम सीधा निकलेंगे। अभी कितने किलोमीटर दूर है? और अभी होगा मेरे ख्याल से 20-25-30। 20-25-30। और डेंजर वो जो रोड है वो कब तक आएगी? अभी 10 मतलब वहाँ बहुत सावधानी से चलाना पड़ेगा। ये उमर भाई चलाएंगे गाड़ी। चलो ठीक है यार, अभी फिर मिलते हैं भाई आप लोगों से। अरे यूनिस ये सब ले जा, फोर्थ स्टेट जितने किया आपने, अरे जितने भी है ना वो ले जा फोर्थ स्टेट। अच्छा कंफर्म कर रहे हैं लोग? हाँ सीआरपीएफ कंफर्म करेगी अभी। ओ आई कार्ड दिखाना, आई कार्ड लो। सो गाइस फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत के बाद और सपोर्ट के साथ में हम लोग बॉर्डर अंदर, मतलब बॉर्डर के अंदर घुस चुके हैं ना। अभी हम लोग जाएंगे सीधा, ये बॉर्डर है, ये आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो चुका है आपका। अभी कुछ फॉर्मेलिटीज है जो पूरी करेंगे, ये साइन करना है। अभी ये सारी अंदर जा रही है गाड़ियाँ, अभी सबके जो जो मतलब जब जब जिस जिसको पास मिला है वो सब अपना पास निकाल के जैसे भाई के हाथ में है और अभी साइन करेंगे पास। सो गाइस अभी आप जो रोड देख रहे हो ये जो चौकीवल उरी बोलते हैं, मतलब जो आपने अगर उरी मूवी देखी होगी तो उसकी भी शूटिंग यही हुई थी। अभी कुछ किलोमीटर बाद आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर भी आ जाएगा और आपको जो डेडलीस्ट रोड है पूरे वर्ल्ड की, वन ऑफ द कश्मीर की भाई डेडलीस्ट रोड है वो दिखाएंगे आपको। और देखना भाई कैसा होता है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई और बहुत मजे आ रहे हैं। मतलब बोल भी नहीं सकता, वर्ड्स भी नहीं बोल सकता कितने मजे आ रहे हैं यार। एक्सपेक्टेड नहीं था, वो तो भाई के साथ के चक्कर में हमारे भाई इतनी मौज होगी ये तो हम कहाँ भटकते यार, हमें ही पता है। सो गाइस फाइनली देख सकते हो स्नो आपको देखने को मिलेगी और ये स्टार्ट हो चुकी है और ये ऊपर तक जाएगी। अभी हम देख सकते हो पूरा ऊपर तक जाएंगे वहां पे और वहां आपको प्रॉपर स्नो में हम लोग गाड़ी चलाते दिखाएंगे इंशाल्लाह। Hold me close till I get up, time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. डेडलीस्ट रोड ऑफ कश्मीर, यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है, हल्की सी भाई मतलब कुछ ऊंच नीच हुई सीधा भाई देख सकते हो नीचे जाएगी गाड़ी, इसलिए भाई मैं चला नहीं रहा खुद। मेरा मन तो बहुत कर रहा है लेकिन यार मेरे लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भाई मौज मस्ती होती रहेगी। कोई नहीं, व्यू इंजॉय कर रहा हूँ आगे बैठ के। और ये देखो यार व्यू देखो आप भाई, ये देखो यार ये दिस इज कॉल्ड कोहरा कोहरा
कोरा, दिस इज कॉल्ड कोरा। देखो गाड़ी कैसे कैसे जा रही है भाई साहब, ऐसा लग ही नहीं रहा अब तो कश्मीर के अंदर है सच बताऊं तो। दिस इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड। मतलब इस टाइम पे ये हमेशा रहती है 365 days रहती है ऐसा। यार बहुत प्यारा यार, मतलब यार देख सकते हो आप लोग भाई, व्यू देखो यार, मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस है यार ये, इसके बाद पता नहीं कब आऊंगा। अब देखो आप बस आप इंजॉय करो, इसके सिनेमैटिक्स भी आ रहे हैं यहाँ पे जितने बढ़िया हो सके दिखाऊंगा आपको। और ये देखो यार आप, सारी गाड़ियों में चेन लगी है, हमारी थार के बगैर हर किसी गाड़ियों में चेन लगी हुई है। अच्छा, क्योंकि वो ना एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए एक्सपीरियंस। देखो जो सोमो आ रही है इसमें भी चेन लगी होगी, पैर पे जूम कर लो थोड़ा सा। हाय बड़ी, ये देखो भाई ये देखो, हाँ फोटो लेता हूँ। ये देखो यहाँ से गाड़ी जा रही है, अभी यहाँ हम बहुत पहले आ गए, अभी यहाँ से पूरा एक करते आएंगे हम, अब 10,000 feet पे पहुंच गए होंगे आराम से, लगभग 10,000। अभी भाई फोटो शूट करेंगे सबकी, और भाई बहुत मजे आ रहे हैं, मतलब वर्ड्स नहीं है भाई, मतलब मैंने जिंदगी में ऐसी नहीं देखी। अभी जो ग्लव्स नहीं है फिर भी रिस्क ले रहा हूँ। अब ये देखो, ये देखो बर्फ देखो भाई, हाँ पोर्ट्रेट। भाई ये सारे कमांडेंट की गाड़ी, आर्मी की गाड़ी आ रही है, ये देख सकते हो आप पूरा भाई, मतलब गजब फीलिंग यार, गजब। सो भाई अभी हमने वहाँ थोड़ी फोटो शूट करवा के हम अभी और ऊपर जा रहे हैं, सीधा बॉर्डर दिखाऊंगा वहाँ मैं आपको, या बीच में के रुक जाए ठीक है। और जो मैंने चीज YouTube में देखी थी ना, ये विंटर के चक्कर में होता है ना यार ये, ये आप देखो आप कितना, आप देखो कैसा हो गया ये। अभी पानी की बॉटल भी है वो भी दिखाता हूँ आपको, ये अंकल चिप्स पूरे ऐसे फूल गए हैं, थोड़ी थोड़ी ये पत्थर आ रही है ना, जब ये नीचे आती है ना ये रो रो करके बर्फ को अपने अपने साथ इतना आप गाड़ियों से भी बड़ा बना देती है, तब गाड़ियां नीचे आ जाती है, तो ये लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइडिंग होती है ना बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल ऑफ स्टोन, स्मॉल स्मॉल ऑफ आइस, छोटे छोटे बर्फ के गोले नीचे गिरते गिरते नीचे गिरते गिरते बहुत बड़े हो जाते हैं, और बहुत डेंजरस है यार, बहुत डेंजरस। तो भाई फाइनली परमिशन मिल चुकी है, और यहाँ देख सकते हो स्नो चेन लगा रहे हैं। अब बाहर जाके मैं वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि अलाउड नहीं है, और ये विंटर के यहाँ पे इनको आदत है, यहाँ पे डॉग्स इसकी इनकी ब्रीड नहीं पता शायद ऐसी है, लेकिन हाँ ये विंटर वाली लग रहे हैं। अभी बाहर से ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि यहाँ अलाउंस नहीं है, और भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, माइनस में है ना, माइनस है। अभी बताऊंगा प्रॉपर डिग्री कितना है, लेकिन भाई साहब मतलब लगा वो तीन तीन लेयर पहन ली, और भाई शॉल कितनी ठंड है देखो, इतना मान ही नहीं सुना, परेशानी कर। So guys, finally, इतनी मेहनत के बाद भाई, इतनी मेहनत के बाद भाई उमर भाई ने मतलब यार कैसे तैसे करके कहीं ना कहीं से कहाँ का कॉल लगाया, अभी बताओ पहले आप समझो पूरी दिल्ली हिला दी, मतलब मजाक से हट के भाई कम से कम 1.5 घंटे से खड़े हम लोग यहाँ से, 1.5 घंटा हो गया, और ये इतनी डेंजरस रोड है, यही रोड की बात कर रहा था
जो आप क्या कहते हो उसको, कौन सी रोड बोलते हो? डेडलीस्ट रोड ऑफ कश्मीर। भाई यहाँ स्नो चेन के बिना गाड़ी भी नहीं जा सकती, लेकिन 12 महीने कोरा ही कोरा होता है इस सड़क पर। ये देख सकते हो भाई कितना, देखो आप ये देखो, और व्यू देखो यार आप, व्यू बहुत अमेजिंग है भाई। अब यहाँ से आप 30 किलोमीटर जाने वाले हैं। 30 नहीं, अभी पता नहीं कितना चलना पड़ेगा, तो तंगडार 30 किलोमीटर है अभी। क्या तंगडार? हाँ, तो L1 से हमें आना पड़ेगा 2 HP। अच्छा, तेज भगानी, इसलिए तेज भगानी। तो भाई देखो, क्योंकि हमने स्नो की मार, वो थोड़ा सा ज्यादा स्नो था इसलिए हमने L पे लगा रखी थी। अब इसे न्यूट्रल में करके इसको अब इस पे लगाएंगे। L2 HP लगा दो, नॉर्मल में। आगे हमें गर्मी मिलेगी। अच्छा, आगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की गर्मी मिलेगी। लगा दो भाई। देखो आज बॉर्डर पे जा रहे थे तो भाई स्पेशली उसी के लिए भाई मैंने, देखो मेरा पूरा भाई हरा हरा पहन रखा है, पूरा इंडिया पाकिस्तान, मतलब आर्मी का भी हो गया पाकिस्तान, भाइयों वालों भाइयों का भी हो गया कलर हरा कलर। और भाई साहब कितना भाई यार वर्ड ही नहीं है भाई ये व्यू के यार। अभी आपको सिनेमैटिक्स एंजॉय करवाऊंगा, रुको। उस रास्ते से तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा? यहाँ से बागरा तक 6 किलोमीटर है। तो वहाँ से 2 किलोमीटर फर्क पड़ेगा, थोड़ा टर्न है उसका मोड़, आप सीधा रोड नहीं जाना, आगे से टर्न है, जाना ठीक है, थोड़ा जमा होगी कि कम होगी? हो रहा है तो उसी रास्ते से जाए ऊपर वाले। हाँ तो मजा इसी रास्ते देखेंगे। मजा इसी रास्ते से आएगा भाई। यार भाई तो यहाँ फुल स्वाद लेते हुए, मतलब ट्रस्ट है जब जाके आराम से बैठे हैं। अभी यहाँ कह रहे हैं कि कोरा है, कोरा बोलते हैं ना, कोरा। और ये देख, मतलब बहुत पतली सड़क होगी अभी वहाँ पे, अभी देखते हैं, क्योंकि दो रास्ते थे, दूसरा रास्ता वो उस साइड था, दो लेंथी था, हाँ लेंथी था वो, थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे था। यहाँ देख सकते हो जैसे बहुत स्लिपरी है भाई, और कॉल भी आने लग गई कि कहाँ निकल गए तुम लोग। सो गाइस आप देख सकते हो, जैसा कि आपने टाइम लैप्स में देखा होगा, वीडियो डाली होगी, अब बर्फ खत्म हो चुका है। तो इसका क्या रीजन है बताओ भाई? एक्चुअली हम पाकिस्तान के गुजरात वाले साइड से जा रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पे गर्मी है, हम जितना आगे चलेंगे उतनी गर्मी बढ़ जाएगी, और हम वहाँ से हम अपने घर नहीं जा सकते, वहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ से हम वापस यहीं से आना पड़ेगा, यहीं से आना पड़ेगा। तो यार देख सकते हो, अब मतलब कह रहे हैं कि जैकेट तक निकालनी पड़ेगी हमें। हाँ जिस हिसाब से भाई अभी मैं पूरा पहन रखा हूँ ना, सब कुछ निकालना पड़ेगा, नॉर्मल एक स्वेटर होगी, नॉर्मल एक स्वेटर नहीं, टी शर्ट। इतनी गर्मी होगी, देखो मतलब देखते हैं क्या कैसा होता है। सो गाइस देख सकते हो ये चौथी परमिशन है। अभी कौन सी जगह जाने जा रहे हैं हम लोग? टीटवाल। तो भाई टीटवाल जाने के लिए जो जीरो लाइन में है पाकिस्तान और इंडिया, तो वहाँ पे जाने के लिए ये फोर्थ परमिशन है। तो भाई दिस इज द 5th एंट्री जो हम कर रहे हैं, क्योंकि भाई पता ही है बॉर्डर क्रॉस करना है, और मतलब बहुत सारे मतलब रूल्स होते हैं इनके। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे
नो ड्रोन अलाउ, मतलब गलती से भी कुछ ड्रोन शॉट हम ले नहीं सकते। ये जो डैम है ये क्या है? ये जो डैम बना होगा ना वो इस साइड से भी बना होगा। अच्छा, तो जब कुछ पक्ष दोनों इंडिया के बीच में होता है ना तो ये डैम क्लोज होता है। अच्छा, ये डैम क्लोज हो जाता है? ये डैम क्लोज हो जाता है। अच्छा सही है, तो अभी अभी मतलब खुला हुआ है ये डैम? खुला हुआ है। अच्छा, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, तो डैम भी ठीक से चल रहा है। अच्छा, जब कुछ हो जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो ये लोग डैम बंदी कर देते हैं। डैम बंदी कर, अभी मतलब दोस्ती है बढ़िया है, अभी दोस्ती बढ़िया है। तो गाइस The deadliest road of Kashmir. ऊपर से पहाड़ी, नीचे से रास्ता। पाकिस्तान। हाँ, दिस इज द पाकिस्तान। बुला रहा है यहाँ से वीडियो के लिए कह रहा है। वीडियो बना रहे नहीं। तो भाई आपने भी सुना होगा, अभी सुना होगा, अभी हमने पाकिस्तान बोले तो सामने वाले से, भाई सामने वाला भाई पाकिस्तान से आवाज दे बोल रहा है, भाई बोल रहा है कि बता रहा है। और ये देखो हमारा इंडिया का फ्लैग, ये रहा पाकिस्तान की पार्टी हो गया। ये इंडिया की है, ये इंडिया की, इसलिए हम पाकिस्तान चला रहा था कोई। नहीं, कोई बोल रहा था कि भाई बोल रहे कि बता रहा है करके। हाँ, बोल रहा है, चिल्ला बैठा हूँ ना, बता दो ना, मैं भी नहीं बैठा हूँ। एलसी लाइन। अरे तू क्या ताऊ जी है? नहीं नहीं, भाई बैठा ना सर। अरे ये तो हमारे भाई है, मैं बोल रहा हूँ कोई रास्ता बता दो ऊपर जाने का, 10 मिनट में वापस आएंगे। अब कैसे हम ये फोटो ले सकते हैं? सो गाइस देख सकते हो, ये आपका है पाकिस्तान का कश्मीर, और ये है आपका इंडिया का, इंडिया का आपका कश्मीर है ये। और ये देखो आप, और इसे वो लोग नीलम बोलते हैं जो नदी जा रही है, और हम बोलते हैं गंगा, किशन गंगा बोलते हैं इसे। आवाज आ जाती भाई, मैं तेरे को तो वीडियो। ये देखो गाइस, आपका है पाकिस्तान का फ्लैग, और ये आपका पाकिस्तान का कश्मीर, और ये इंडिया का, इंडिया कश्मीर। और वो नदी है जिसे बोलते हैं वो लोग नीलम बोलते हैं, हम बोलते हैं किशन गंगा बोलते हैं इस नदी को। सो गाइस 6 बज चुके हैं और यहाँ मतलब ठंड है, तो देख सकते हो कि रात हो चुकी है और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। देख सकते हो पहाड़ी, वो आपका पाकिस्तान, देखो लाइट जल रही होगी वहाँ, देख सकते हो आप। ये देखो, ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान कश्मीर, इंडिया कश्मीर। और यहाँ पे हमने सारा टेंट सेटअप कर लिया है, यहीं पर ही भाई हम लोग आज स्टे करने वाले हैं। ऑन द स्पॉट प्लान था, ऐसा सोचा नहीं था, मतलब मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन हाँ जैसा भी देखो, ये एक टेंट यहाँ लगा दिया, एक टेंट यहाँ लगा दिया, अभी खाना वाना बनाएंगे, प्रॉपर कैंपिंग करके जो इस बार सोच के आए थे। और भाई आज का व्लॉग यहीं है कुछ, और पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।